प्रदेश के गोंडा स्थित आशाराम बापू के आश्रम में खड़ी एक कार से लड़की का शव मिलने से हड़कंप मच गया है और मौके पर इस शव को देखने के लिए भारी भीड़ जमा हो गई है। शव की जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, साथ ही पुलिस जांच में भी जुट गई है। दरअसल बताया जा रहा है कि ये लड़की अपने घर से 4 दिन पहले गायब हुई थी, जिसका शव आसाराम बापू के आश्रम में कई दिनों से खड़ी कार से मिला है। कार के अंदर से जब दुर्गंध आने लगा तब आश्रम के कर्मचारी ने गाड़ी को खोल कर देखा तो उसके अंदर शव मिला। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने कार के अलावा पूरे आश्रम को सील कर दिया है और जांच में जुट गई है। पुलिस ने बताया है कि शुरुआती जांच में हत्या कर शव को छिपाने का मामला लग रहा है। घटना नगर कोतवाली क्षेत्र विमौर गांव में स्थित आशाराम बापू के आश्रम की है। यहां कार बीते कई दिनों से खड़ी थी। वहीं पुलिस ने बताया कि कार के अंदर से जब बदबू आने लगी तब आश्रम के चौकीदार ने कार को खोल कर देखा तो उसके अंदर ये शव मिला, जिसके बाद उसने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने कार को और आश्रम को जब्त कर लिया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस और फॉरेंसिक की टीम आश्रम और गाड़ी की जांच में जुट गई है। कोतवाली नगर जनपद गोड़ा, एक 13 वर्षीय बालिका की 5 अप्रैल को गुमशुदा होने की, घर से गायब हो जाने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी। इसके बाद 7 अप्रैल को परिजनों द्वारा 3 नामजद लोगों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कराया गया था। परिजन और पुलिस की खोजबीन के दौरान आज रात में ये जानकारी मिली कि घर के ठीक सामने एक आसाराम बापू का सत्संग स्थल है, उस परिसर के अंदर एक वाहन के अंदर बच्ची का शव है। इस सूचना पर उच्चाधिकारियों के साथ साथ फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड मौके पर गए। पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है, सभी तथ्यों की पड़ताल की जा रही है।